कोरबा जिले में गेवरा स्टेशन से पूर्व में चलने वाली सभी गाड़ियों को पुनः प्रारंभ करने की मांग व रेलवे प्रबंधन की मनमानी को लेकर कोरबा रेलवे स्टेशन के सामने युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन कर डीआरएम का पुतला फूंका। युवा कांग्रेस ने महामंत्री मधुसूदन दास ने बताया कि रेलवे प्रबंधन की मनमानी अपने चरम पर है। ट्रेनों की लेट लतीफी तो आम बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि रेलवे प्रशासन नदी उस पार के इकलौते स्टेशन गेवरा से पता नहीं कौन से जन्म का बदला लेने पर उतारू है कि कोरोना काल से बंद हुए ट्रेनें अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं, या यूं कहीं कि रेलवे प्रबंधन मालगाड़ी बढ़ाने के लिए जागने की अवस्था में है, परंतु सवारी गाड़ी के नाम पर कुंभकर्णीय नींद में है। बता दें कि युवा कांग्रेस ने मांग करते हुए कहा कि गेवरा स्टेशन से पूर्व में चलने वाली सभी गाड़ियों को पुनः प्रारंभ किया जाए, साथ ही साथ कोरबा से चलने वाली सभी गाड़ियों को समय पर चलाया जाए। इन्हीं सब मांग को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन भी किया गया, साथ ही डीआरएम का पुतला फूंका गया। उन्होंने कहा कि यदि 7 दिवस के भीतर मांगों को न मानने पर हमारे द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी रेलवे प्रशासन की होगी। मैं आपको मैं बता रहा हूँ, 5:30 बजे गेवरा से मेमू लोकल चलती थी, 8 बजे मेमू लोकल चलती थी, 11:30 बजे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस चलती थी, शाम को 6 बजे चलती थी, 1:30 बजे मेमू लोकल चलती थी, उसके बाद रात में 9:30 बजे और 11:30 बजे। सारी गाड़ियाँ कोरबा तक तो आती है सर, गेवरा तक भेजने में क्या दिक्कत है सर? हम कम से कम 2.5 से 3 लाख लोगों के लिए ना बहुत बड़ा। धीरे धीरे सर, आज कोरोना काल से बंद है सर, आज से नहीं हुआ। और कितना धीरे धीरे सर, मालगाड़ी तो जाता है। हाँ, उसमें आप ही बताएंगे कितनी मालगाड़ी, तो सर चलाइए ना, जब मालगाड़ी चल सकता है तो वो भी चलाता है, पैलेट उसको भी चलाता है, आदमी को लेके चालू कीजिए ना सर, वही तो नहीं है ना, मालगाड़ी जब मालगाड़ी चल सकता है, जब 100 एक मालगाड़ी आप निकाल सकते हो, तो वहाँ से यात्री ट्रेन क्यों नहीं चला? प्रयासरत ट्रेन क्यों नहीं चला? प्रयासरत है, जल्दी कब तक होगा? हमारा डिमांड तो वही है सर, गेवरा स्टेशन की जितनी ट्रेनें थी आप सारी ट्रेनों को चालू कीजिए, और दूसरा लेट लगी भी तो पूरी तरीके से बंद चाहिए हमको। अरे ऊपर तो कभी कितनी बार बता चुके सर हम लोग, 10वीं बार होगा, पहला नहीं 10वीं बार है। अरे प्रॉब्लम दिक्कत नहीं था, नहीं तो हम लोग आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम लोग क्यों आएंगे यहाँ पर, हम लोग तो दिखना ही चाहते हैं, हम लोग आंदोलन करना हम लोग को जरूरत पड़ रही है, इसलिए आना पड़ रहा है सर, क्योंकि नदी उस पार का जो क्षेत्र है वो तो पूरी तरीके से सिर्फ कोयला भेजने के लिए बना है, बाकी किसी चीज के लिए नहीं बना। यात्री ट्रेन तो समझिए हम लोग के लिए ऐसा लगता है कि दूर के ढोल बोलते हैं ना, उसी टाइप वाली स्थिति दोनों। एक साधन हमारा ट्रेन था।